हेलो दोस्तों, मैं आज आपको सीएससी की टॉप 6 सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा जो आपका हर एक जगह पे काम आने वाला है। चाहे वो बैंक मित्र हो, अदर सेंटर हो, चाहे आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए वो सीएससी की आपकी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट हो, हर एक चीज़ की काम पे आपको आने वाला है। तो सर्टिफिकेट कौन कौन सी है, आपको कहाँ से मिलेगा, और मैं पहले ही बता दूँ आपके जितने भी मैं सर्टिफिकेट दिखाऊंगा और सबको आपके रजिस्ट्रेशन करके आपको एग्जाम दे के लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से सर्टिफिकेट है। मेरे पास 6 सर्टिफिकेट मैंने लिस्ट कर रखा है, देख सकते हो आपके सामने। आदर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, बैंक बिजनेस सर्टिफिकेट, सीएससी सेंटर सर्टिफिकेट, आपकी जो सीएससी आईडी कार्ड है जो आपकी सीएससी की तरफ से मिलता है, और एक आपकी सीएससी आईएनएस जो आपकी इंश्योरेंस की एक्टिवेट करने के लिए होता है, और आपकी टीसी सर्टिफिकेट। तो आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके बैंक बीसी सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा। जैसे कि अभी के टाइम पे पता है आपको, जैसे अब सीएससी अगर रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाते हो, तो अभी के टाइम पे मैं आपको दिखा देता हूँ सीएससी रजिस्ट्रेशन। आप देख सकते हो, मैं जैसे पहला ऑप्शन आएगा सीएससी रजिस्ट्रेशन की, ये पहले की पोर्टल था जहाँ से सीएससी की रजिस्ट्रेशन होता था। अभी के लिए इन्होंने पोर्टल अपना न्यू लॉन्च किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है आपकी ग्रीन कलर में, और सी एस सी वी एल ई कैटेगरी न्यू रजिस्ट्रेशन पोर्टल हैज बीन लॉन्च एंड टू अप्लाई इन न्यू वी एल ई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है, प्लीज विजिट। आपको इस वेबसाइट पर आपको विजिट करना है, तो इस पर मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो बीकॉम में आपकी रूरल, आपकी जो एंटरप्रेन्योरशिप है, आपकी सी एस सी आई डी के लिए अप्लाई के लिए आप गेट स्टार्ट पर क्लिक करोगे, देन आपके देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आता है आपके सामने। देख सकते हो ये सारे आपकी आई डी आपको देना पड़ता है। तो सबसे जो आपकी सबसे मेन जो आई डी है सी एस सी जो रजिस्ट्रेशन के लिए आपके लिए होता है आपके बैंक बीसी और आपकी टीसी सर्टिफिकेट, जो अभी के लिए मतलब है मैंडेटरी है, ठीक है। आप देख सकते हो आपके, मैं बताऊंगा टीसी सर्टिफिकेट और आपके बैंक बीसी सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा और अदर सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो आपको बैंक बीसी सर्टिफिकेट के लिए आपको, आप देख सकते हो आपको आना है गूगल में, देन आपको यहाँ पे टाइप करना आई आई बी एफ। जैसे आप सर्च करोगे सबसे पहला ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हो अभी के टाइम पे आपकी सबसे पहला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, देन आपके सामने ऐसे पोर्टल ओपन होके आ जाएगा। देन आपके पोर्टल ओपन होने के बाद आपने अगर पहले आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉग इन कर लेना है यहाँ पे अपना, जैसे ही पता है अपना नॉन मेंबर पे जाकर हमें लॉग इन करना होता है। आपका आई डी पासवर्ड होगा तो लॉग इन कर लेना, अगर भूल चुके तो भूल जाए पे फॉरगेट से क्लिक करके आप न्यू बना लेना। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बीसी और बीएफ आप देख सकते हो या फिर इसी पे आपको क्लिक कर देना है, देन आपको अप्लाई नॉन मेंबर पे आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर और आपकी कैप्चर मांगेगा, तो आपके किसी के पास अगर न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो किसी के पास नहीं होता, तो आपको क्या करना है नीचे की तरफ आना है। सबसे लास्ट में देख सकते हो इफ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है, क्लिक हियर टू रजिस्टर, आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है, देन आपके सामने फॉर्म ऐसे ओपन हो गया जाएगा। आपको सारे यहाँ पे डिटेल्स को आपको यहाँ पे वन बाई वन भरना है। भरने के बाद आपकी यहाँ पे देख सकते हो नीचे की तरफ आते जाओगे, आपकी पूरे डिटेल्स को भरना है। आपकी यहाँ पे एक फोटोग्राफ अपलोड करना है, आपकी सिग्नेचर अपलोड करना है, आपकी एक आईडी प्रूफ अपलोड करना है। देन आप नीचे की तरफ आओगे तो नीचे की तरफ आते देख सकते हो अभी के टाइम पे आपकी जो सर्टिफिकेट, आपके एग्जामिनेशन नेम आपको दिखा देगा, आपकी जो फीस है फीस तभी दिखाएगा जब आप यहाँ से अपना सिलेक्शन आप कम्प्लीट करोगे। जब आप सिलेक्शन कम्प्लीट करते हो यहाँ पे मीडियम में आपको सिलेक्ट करना है, करने के बाद आपको यहाँ से सेंटर सिलेक्ट करना है, जो भी आप स्टेट से होंगे आपको स्टेट को अपना सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे स्टेट को सिलेक्ट करोगे ऑटोमेटिक आपके सेंटर को नीचे दे देगा, आप उसके बाद देख सकते हो आप फीस आपकी यहाँ पे दिखा देगा, आपकी एग्जाम आपके पीरियड जो होगा एग्जाम पीरियड आपको दिखा देगा, यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट दिखा देगा, देन आपकी देख सकते हो एग्जाम विल बी ऑनलाइन मेड ऑनलाइन मोड ऑनली, ठीक है। तो आपकी एग्जाम ऑनलाइन मोड पे होने वाला है, बाकी चीज़ें आप यहाँ पे प्रीव्यू करके आपको इस पर जैसे प्रीव्यू एंड प्रोसीड करोगे आपकी फॉर्म की पूरा डिटेल्स आ जाएगा, जो अपने करेक्शन के लिए अगर करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो उसे पॉजिट करके आपको पेमेंट कर देना है, जो कि 940 रुपये के आसपास के पेमेंट होता है, आपको पेमेंट कर देना है। तो करने के बाद तो आपको एग्जाम देके आपको बीसी सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो अब बताता हूँ आपको कि टीसी सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा। टीसी सर्टिफिकेट का आपको गूगल पे आना है, मैं आपको टीसी सर्टिफिकेट भी दिखा देता हूँ। टीसी सर्टिफिकेट आप देख सकते हो, आप बैंक से एग्जाम देने के बाद आपको बैंक सर्टिफिकेट ऐसे मिल जाएगा। देन आपको टीसी सर्टिफिकेट के लिए, टीसी सर्टिफिकेट आपको ऐसे टीसी सर्टिफिकेट मिलता है, अपना देख सकते हो टीसी सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपके टीसी सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा, आपके नेम आ जाएगा, आपकी आप देख सकते हो फादर नेम आ जाएगा, आपकी डिस्ट्रिक्ट स्टेट आपकी, ठीक है, यहाँ पे आपकी क्यूआर कोड और डेट आ जाएगा, आपकी फ़ोटो, और आपकी यहाँ पे जो आपकी टीसी
टीसी नंबर होता है, टीसी नंबर यहाँ पे आ जाता है। तो आपको टीसी सर्टिफिकेट के लिए क्या करना है, टीसी सर्टिफिकेट के लिए आपको लिखना है टीईसी, गूगल में आना है, गूगल पर आपको टाइप करना है टीईसी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन। आप टीसी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन पे आओगे तो सबसे पहला ऑप्शन देख सकते हो, तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए आपके टीसी सर्टिफिकेट के लिए यहाँ से ओपन करना है, ठीक है। तो अब हमने ऑलरेडी पास हो रखा है, हम लोगों के टीसी सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो हम टीसी पे क्लिक करेंगे। टीसी पे क्लिक करते हैं, इसका साइड ओपन होकर आ जाएगा, यानी हमें लॉग इन विथ आज पे क्लिक करना है। तो अगर आप अगर रजिस्ट्रेशन के लिए आओगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपकी ये फॉर्म पूरा प्रोसेस आपको भरना है, आपके नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, पूरा एड्रेस और आपकी एक फोटो, देन कैप्चर को डालकर आपको सबमिट करना है। देन आपको एक पेमेंट होता है 1480 रुपये के आसपास की एक पेमेंट होता है, आपको पेमेंट करके अपना जो टीसी नंबर, आपके रेफरेंस नंबर और पासवर्ड आपको मिल जाता है। देन आपको लॉग इन विथ आज पे आके यहाँ पे आपको लॉग इन करना होता है। तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो मैं आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे यहाँ से सिंपली आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपको यहाँ पे अपना टीसी नंबर और आपके पासवर्ड डालना है, टीसी नंबर या तो यूजर नंबर जो आपके पास होगा उससे आपको या फिर लॉग इन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे टीसी नंबर और अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, तो ऐसे लॉग इन हो जाओ। लॉग इन होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपके डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। देन मैं आपको बताऊंगा कि आपके नेक्स्ट सर्टिफिकेट के लिए, नेक्स्ट सर्टिफिकेट के लिए आप देख सकते हो आपकी सी एस सी आई एन एस क्या होता है। सी एस सी आई एन एस होता है कि आपकी जो सी एस सी की तरफ से अपना इंश्योरेंस का क्लेम होता है, अपना इंश्योरेंस किसी का न्यू बनवाना हो, किसी का आपकी जो मोटर बाइक के लिए इंश्योरेंस करवाना हो, किसी का हेल्थ इंश्योरेंस, किसी का अदर इंश्योरेंस के लिए जो भी इंश्योरेंस की जितने भी सर्विस है आपको सी एस सी आई एन एस सर्टिफिकेट के द्वारा आपको मिलता है। तो आपकी अगर सी एस सी सेंटर में आपकी सी एस सी आपकी जो आई एन एस के अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप आराम से अपना सी एस सी सेंटर से अच्छा खासा आप कमीशन ले सकते हो। आपको पता है कि सी एस सी की जितने भी इंश्योरेंस आप क्लेम करोगे या तो जितने भी आप प्रीमियम भरोगे, जितने भी आप न्यू पॉलिसी बनाओगे, सबकी कमीशन अच्छा मिलता है, ठीक है। तो आपकी जो सी एस सी आई एन एस की सर्टिफिकेट और सी एस सी आई एन एस की सर्टिफिकेट से आप अच्छे खासे इनकम कमा सकते हो। तो आपकी जो आई एन एस सर्टिफिकेट है आपको कहाँ से मिलेगा, तो सबसे पहले आपको फिर गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आके आपको टाइप करना है सी एस सी आई एन एस, ठीक है। सी एस सी आई एन एस रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर क्लिक करना है, आपको सर्च करना है। करने के बाद आप देख सकते हो सबसे पहला ऑप्शन सी एस सी इंश्योरेंस, आपको सी एस सी इंश्योरेंस पे आपको क्लिक कर देना है। सी एस सी इंश्योरेंस पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो आपकी यहाँ पे आपके सामने यहाँ से टैक्सबुक जो ओपन होकर आ जाएगा। देन आप यहाँ पे देख सकते हो वी एल ई आई एन एस, आपकी वी एल आई एन एस की रजिस्ट्रेशन आप तभी कर पाओगे जब आपके पास सी एस सी आई डी होगा। तो अब रजिस्टर पे क्लिक करोगे, रजिस्टर पे क्लिक करने के लिए आप मैं पहले से रजिस्ट्रेशन हो रखा हूँ, अगर मैं रजिस्ट्रेशन चाहे लॉगिन किसी पे क्लिक करूँगा डायरेक्ट को उसी सेम पेज पे लेके जाएगा जहाँ से मुझे सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ और फर्स्ट टाइम आप से सर्च करोगे तो आपको सामने फॉर्म निकल के आ जाएगा, जिससे आपको फॉर्म को सबमिट करके देन आपको पूरा चीज़ें मिलता है सर्टिफिकेट वगैरह। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी देख सकते हो लर्निंग स्टार्टअप हुई है, सेम मॉड्यूल मैंने कंप्लीट कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। आपकी एग्जामिनेशन मेरा कंप्लीट है। देन आप रिजल्ट देख सकते हो यहाँ पे पास है यहाँ पे देख सकते हो अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे अवेलेबल है। तो सर्टिफिकेट के लिए हमें सिंपली क्या करना होता है, सर्टिफिकेट के लिए हमें सर्टिफिकेट पर क्लिक करना होता है। देन आप अपने सामने ऐसे सर्टिफिकेट निकाल के आ जाता है, आप देख सकते हो। देन हमें एक वेलकम लेटर भी मिलता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें जस्ट मैंने आज ही मैंने इसे पास किया तो अभी मेरा वेलकम लेटर नहीं मिला, पर आपकी मैं दिखा दे भी देता हूँ कहाँ से आपको क्या काम आएगा। देन आपको अगर इस पेज पे आपको क्या काम है तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, अपना सी एस सी आई डी को एक बार लॉग इन कर लेना है। तो सी एस सी आई डी के लिए गूगल पर आ जाता हूँ। देन हमें सी एस सी आई डी को अपना लॉग इन कर लेना है, तो यहाँ से मैं सी एस सी आई डी को लॉग इन कर लेता हूँ। तो आपकी सी एस सी आई डी को जब लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इंश्योरेंस, जैसे हम इंश्योरेंस पे क्लिक करेंगे, अभी कुछ टाइम पहले मेरे यहाँ पे सी एस सी कुछ भी यहाँ पे लॉगिन नहीं होता था। देन हमें यहाँ से अगर हेल्थ वाला इंश्योरेंस या कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखा रहा था, तो मैंने अभी एग्जाम पास कर लिया तो यहाँ पे देख सकते हो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए इतने सारे अपना ऑप्शन खुल गया है। इसमें से कोई सा भी एक साइट पर जाके, चाहे SBI से हो, चाहे आप किसी से भी ICICI से, HDFC से भी, स्टार हेल्थ से, ठीक है, आप किसी से भी अपना किसी भी कस्टमर को अपना हेल्थ इंश्योरेंस बना के आप दे सकते हो और हेल्थ इंश्योरेंस के अच्छा खासा कमीशन भी मिलता है।
आपको लाइफ इंश्योरेंस बनवाना है तो लाइफ इंश्योरेंस का भी बहुत सारे ऑप्शन है, देख सकते हो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, आपके बहुत सारे, आपकी LIC का भी होगा, टाटा का भी है, आप देख सकते हो LIC का भी कितने सारे ऑप्शन है। तो ये सारे ऑप्शन होता है आपके हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, आप इसे स्टार्ट कर सकते हो और अच्छे खासे को इनकम मिलता है। आपको पता है आपकी जितने भी इंश्योरेंस में अच्छा खासा कमीशन है, प्लस आपके प्रीमियम पे करने पे भी आपको अच्छा खासा कमीशन मिलता है। देन आपको यहाँ पे देख सकते हो मोटर इंश्योरेंस का भी, मोटर इंश्योरेंस का भी आप देख सकते हो कितने सारे ऑप्शन है। इसमें से किसी भी कंपनी से आपके कस्टमर को जो भी कंपनी से करवाना हो, आप आराम से अपना सेंटर में बैठे बैठे इससे इंश्योरेंस को आराम से प्रोवाइड कर सकते हो। आप देख सकते हो HDFC, आपकी इफको, आपकी यूनिवर्सल, ठीक है, आपकी ये सारे है, आपकी लेबोरेटरी, आप देख सकते हो सारे आपके सामने जितने भी आपके ऑप्शन है, इन सब में से आप आराम से अपने CSC सेंटर में बैठे बैठे अच्छा खासा इनकम कर सकते हो और इन सबको सेल कर सकते हो। आपको मोटर थर्ड पार्टी अगर बनाना है आपके इंश्योरेंस, तो उसके लिए भी आप देख सकते हो मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है। इसमें से किसी भी आप कंपनी से अपना कस्टमर को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करके दे सकते हो। यानी आपको अगर प्रीमियम पे करना है, प्रीमियम के लिए देख सकते हो इतने सारे ऑप्शन है, आप इसमें से कोई सा भी अपना हेल्थ इंश्योरेंस हो, आपकी जो भी आपकी देख सकते हो आपके लाइफ इंश्योरेंस के जितने भी आप अपने इंडिया के अंदर है, सारे इंश्योरेंस के आपने यहाँ से प्रीमियम पे कर सकते हो। देन आपके हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम भी आप यहाँ से पे कर सकते हो, सर्च करके आपको जो भी कंपनी हो, कंपनी के नाम आएगा, आपको यहाँ से पे कर सकते हो आराम से। तो आपकी जो इंश्योरेंस का आपकी जो INS की सर्टिफिकेट है, आपकी दिखा देता हूँ एक बार, आपकी जो INS की जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट को लेके आप आराम से अपने इंश्योरेंस की काम कर सकते हो। यहाँ पे आइडेंटिटी डिटेल्स आ जाएगा आपकी, VLA INS आइडेंटिटी डिटेल्स, यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा, आपकी नेम आ जाएगा, अपने CSC नेम आ जाएगा, CSC ID आ जाएगा, या फिर अपने पैन कार्ड यहाँ पे नंबर आ जाएगा। देन आपको देख सकते हो यहाँ पे आपकी पूरा डिटेल्स आपकी यहाँ पे दिख जाएगा, आपकी इशू डेट आ जाएगा, इशू प्लेस आ जाएगा, आपकी फ़ोटो आ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो INS सर्टिफिकेट है उस पर आपको मिल जाता है। तो आपकी बैंक से सर्टिफिकेट हो गया, आपकी TC सर्टिफिकेट हो गया, आपकी INS सर्टिफिकेट हो गया, आपकी आधार सर्टिफिकेट, आधार सर्टिफिकेट के लिए भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, आपको NEC का आपके एग्ज़ाम देना होता है, एग्ज़ाम के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। तो आपको मैं NEC का भी आपको दिखा देता हूँ, जैसे आपको गूगल पे आओगे आप, तो गूगल पे आने के बाद आपको लिखना है NSEIT login। जैसे NSEIT login पे जाओगे आप, यहाँ पे देख सकते हो वेलकम टू लॉगिन पेज, ठीक है, आपको लॉगिन पेज का आपको क्लिक करना है। अगर ये पेज नहीं ओपन हो रहा तो आप नीचे वाले पर जाओ, हाउ लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ से सिंपली क्या करना है, होम पेज पे क्लिक करना है। होम पेज पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहला पेज आपको यही ओपन होकर आता है। तो जैसे हम फर्स्ट टाइम हम लॉगिन इसे अप्लाई करते, तो अप्लाई के लिए हमारे पास यहाँ पे नहीं होता अपना ID पासवर्ड, देख सकते हो ID और पासवर्ड पूछा जाता है, हमारे पास नहीं होता। तो हमें न्यू क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होता है, क्रिएट न्यू, देन आपको यहाँ से अपना जो एक्स आप देख सकते हो XML जो फाइल होता है आधार कार्ड की, उसे अपलोड करना होता है, शेयर कोड करके आपको फॉर्म सबमिट करना होता है। देन आपको यहाँ पे आगे की सारे प्रोसेस आपको भर के आपको एग्ज़ाम देना होता है। देन आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है इस टाइप का, देख सकते हो NSEIT का, आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट आपकी यहाँ पे ऐसे बन के आ जाएगा, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, आपका सर्टिफिकेट नेम आ जाएगा, आपकी लेवल आ जाएगा, आपकी जो अदर सुपरवाइजर होगा या तो जो भी अदर्स ऑप्शन होगा आपके यहाँ पे आ जाएगा। देन आपकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे आ जाएगा। देन आपकी जो CSC सेंटर की सर्टिफिकेट और CSC सेंटर आप देख सकते हो, जब आप CSC अपना ID अप्रूव हो जाता है, देन आपकी ID अप्रूव होने के बाद जैसे आप KYC कर लेते हो अपने CSC सेंटर की, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हो आपको ऐसे मिलेगा, आपकी नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, आपकी एड्रेस आ जाएगा शॉप की, आपके सेंटर की नेम आ जाएगा, और आपकी यहाँ पे ID दिख जाता है, आपकी QR कोड हो जाता है, यहाँ पे आपकी एक फ़ोटो दिख जाता है। तो आपकी ये कहाँ से डाउनलोड होगा इसके लिए, और आपकी एक ICART के लिए भी दिखा देता हूँ, आपकी CSC की तरफ से कि आपको ICART भी मिलता है, आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर आपकी पूरा नेम आ जाता है, CSC ID, किशोक नेम आपकी द्वारा आपकी नेम होता है, देन आपकी किशोक एड्रेस आपकी, देन आपकी मोबाइल नंबर, और आपकी QR कोड होता है, यहाँ पे आपकी एक फ़ोटो होता है। तो ये जो दो चीज़ें आपके सेम जगह से डाउनलोड हो जाता है। सेम जगह से डाउनलोड होने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको गूगल पे आना है, गूगल पे आने के बाद आपको टाइप करना है यहाँ पे CSC कनेक्ट लॉग इन।
सॉरी सी एस सी अकाउंट लॉग इन होगा, आपको टाइप करना है सी एस सी अकाउंट, अकाउंट आपको लॉग इन पे क्लिक करना है। करने के बाद आपके सामने ऐसे लॉग इन टू योर अकाउंट पे आएगा, देन आपको यहाँ पे देख सकते हो इस पर साइट पे ले आएगा, देन आपको यहाँ पे अपना सी एस सी आई डी को यहाँ पे डालना है। तो अपना सी एस सी आई डी को लॉग इन करके मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अपना सी एस सी आई डी को डाल देना है आपको यहाँ पे, देन आपको यहाँ पे जो भी आपकी फिंगरप्रिंट डिवाइस होगा या तो आई आर आई एस की आपकी डिवाइस होगा उस सबको सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट मेरे पास है तो फिंगरप्रिंट मशीन को सिलेक्ट करके देन आपको यहाँ पे कैप्चर को डाल देना है। करने के बाद आपको यहाँ पे टीसी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपकी टर्म एंड कंडीशन को, देन आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने ऐसे आपकी जो स्कैनर मशीन है उसे डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा। लगभग टाइम में अपना जितने वी एल यू आए हैं आपको सबको यहाँ पे दिक्कत आ जाता है लॉग इन के टाइम पे, क्योंकि इनका जो डिवाइस है एरर आ जाता है। आपको मैं दिखा देता हूँ कैसा एरर आता है। ऐसे लगभग लोगों के एरर आ जाता है क्योंकि उनका जो फिंगरप्रिंट मशीन है वो सही से इंस्टॉल नहीं होता। तो मैंने कल ही एक नई वीडियो बनाया है, वो आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ जैसा अभी आ रहा है। जैसे मैं अपने इससे कनेक्ट करूँगा अपने डिवाइस को, तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस कनेक्टेड है। तब मैं इसे दोबारा से एक बार रिफ्रेश कर लूँगा। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है। देन हमें यहाँ पे कंडीशन को हमें यहाँ पे अप्लाई कर लेना है, देन हम फिंगरप्रिंट पे करके स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करना है। देन मशीन पे देख सकते हो पुट योर फिंगर यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। फिंगरप्रिंट तो दोबारा कर लेता हूँ, देख सकते हो कैप्चर सक्सेसफुल। जब आपके सामने कैप्चर ऐसे सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको क्या करना है, ऐसे आपकी लॉगिन हो जाएगा। यही से आपको सर्टिफिकेट और आपकी जो आईडी कार्ड है यही से आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हो सर्टिफिकेट के लिए आपको इस ऑप्शन पे सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है और आपकी जो आईडी कार्ड है आईडी कार्ड के लिए आप आपको क्लिक करना है, देना आपके सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड दोनों ओपन होकर आ जाता है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे सर्टिफिकेट पे आपके सर्टिफिकेट ऐसे ओपन होकर आ जाएगा। देन जैसे आप यहाँ पे आईडी कार्ड पे क्लिक करोगे, आईडी कार्ड पे क्लिक करते हैं आपके आईडी कार्ड ऐसे ओपन होके आ जाएगा। तो ये था अपना सीएससी की टॉप जो 6 सर्टिफिकेट है जो आपके पास होना चाहिए। और अगर ये 6 सर्टिफिकेट आपके पास है तो अच्छे खास से अपने सीएससी से आप इनकम कर सकते हो, अच्छे खास से अपने सीएससी को आप चला सकते हो, आप हर महीने अच्छे खास से इनकम कर सकते हो अपने सीएससी सेंटर से। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।